हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, और जहाँ जहाँ पर हमें हिंट के थ्रू अगर हमें सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, तो वहाँ पर हम हिंट के थ्रू ही डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है, बुक में ही। पहले तो क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इफ़ द डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर, डायगनल हमें 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 46 सेंटीमीटर, तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया बताइए कि रेक्टेंगल का कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है रेक्टेंगल वाले एक्सरसाइज में, यहाँ पर दोबारा से आ रहा है। हिंट दिया हुआ है, ये हिंट आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि पिछले बार के बच्चे बोले सर ये वाला एग्जांपल जो है वो कहां से आ गया, मतलब ये जो फॉर्मूला ये कहां से बना। तो जो हमने फॉर्मूला आपको वहां पर बताया था ना, वही फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करना। सबसे पहले तो आप समझो कि ये स्टेप का जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मूला से बनता है। तो आपने पहले ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा, और मेरे क्लास ले रहे हैं कंटिन्यू, तो ये मैंने कई बार बताया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी फॉर्मूला से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। यहाँ पर बस केवल हम a और b की जगह में हम क्या लिख लेंगे, लेंथ और ब्रेथ यूज़ कर लेंगे, यानी कि l और b यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस 2 लेंथ और ब्रेथ। और हमको यहाँ से क्या फाइंड करना पता है, ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ही फाइंड करना है, क्योंकि हमें साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कि एरिया कितना है उस रेक्टेंगल जो रूम है उसका एरिया कितना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है ना। तो यहाँ से हम ये वाला जो एल और बी है ना, यही तो हमको फाइंड करना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ही हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, इसके लिए हमें जो जो चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं उसमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हमें डायगनल दिया हुआ है, तो डायगनल क्या होता है कि जो डायगनल का स्क्वायर होता है वो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम में हमने कई बार बताया है आपको कि d के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम है। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गया, 17 के स्क्वायर, d कितना दिया हुआ है, डायगनल 17 दिया है, तो जो 17 का स्क्वायर है वही हमें लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर दिया हुआ है। ये भी कहाँ पर यूज़ होगा, ये इस फॉर्मूला के यहाँ पर, इतने में ये यूज़ होगा। उसके अलावा हमें और क्या दिया हुआ है, तो उसके अलावा हमें साफ साफ वहाँ पर कह रहा है पेरीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यही पेरीमीटर होता है, और ये हमें दिया हुआ है वहाँ पर 46। तो यहाँ से हम लेंथ प्लस ब्रेथ निकाल लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर एल बी का जरूरत पड़ रहा है ना, एल प्लस बी, तो हम यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 46, और ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर करके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ में कितना मिल गया, 23 मिल गया। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसमें आ जाओ पुट कर लो। देखो लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर है यहाँ पर, और लेंथ प्लस ब्रेथ में कितना मिला है, 23 मिला है। तो इस फॉर्मूला में हम जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 23 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ओके। उसके बाद इक्वल के उस साइड में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, उसका वैल्यू हमें कितना मिल गया है, इन दोनों का वैल्यू मिल गया हमें 17 का स्क्वायर। तो इधर लिख लो डायरेक्ट 17 का स्क्वायर प्लस 2lb। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। पहले तो देखो 17 का स्क्वायर मैंने बोला है आपको ना कि 20 तक के पूरा स्क्वायर याद कर लो, लेकिन यहाँ पे 23 का भी स्क्वायर आ जा रहा है, तो हम 23 का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफली। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 6 और ये 4, तो 9 12 का 2 कैरी गिवन, तो 529 हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 529। उसके बाद ये जो 17 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 17 मल्टीप्लाई 17 हमारा, मैंने बताया आपको 20 तक पूरा याद कर लो, उससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, टाइम बचेगा। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। तो 289 इधर भी प्लस में है, तो इस साइड आकर के 289 जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, इक्वल के उससे 2lb बच जाएगा। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0, 12 में से 8 माइनस हुआ तो 4, यहाँ 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2, तो 240 इक्वल टू 2lb। अब हमको lb का वैल्यू निकालना है, लेंथ और ब्रेथ का, यही तो हमारा एरिया का फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो हम इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये इधर मल्टीप्लाई में था, ये इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू lb, ये कट हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 का डबल 12 टाइम पे आता है 24, और ये 0, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू 120। इसका मतलब कि एरिया ही जो होगा वो हमारा हो जाएगा 120, और ये क्या में निकलेगा, हमारा एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। और ये सब जो हमें लेंथ ब्रेथ दिया हुआ था किस चीज़ में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था कि मीटर में, ये हमें 21 कहा गया, क्वेश्चन नंबर डायगनल इज द 70 सेंटीमीटर था, तो ये जो हमारा होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर में निकलेगा। तो 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि ए में 100 दिया हुआ है, बी में 110 है, तो सी में 120 है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 21 अच्छे से, अगर डायरेक्ट हिंट में मैं समझाता हूँ आपको समझ में नहीं आता। बजाओ क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, हमें दो स्क्वायर के जो एरिया है उनका रेशियो दिया हुआ है 9:1, तो हमको उन्हीं का पेरीमीटर का रेशियो पूछ रहा है कि उनके पेरीमीटर का रेशियो कितना होगा। अगर स्क्वायर का, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, एरिया का अगर रेशियो इतना है तो पेरीमीटर का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहला बात मान लेते हैं कि पहले वाले का जो स्क्वायर है उसका एरिया ए का स्क्वायर है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
ए मल्टीप्लाई ए होता है ना, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो वहाँ पर पहले वाले का जो साइड हम उसको ए मान लेते हैं, तो उसका स्क्वायर रेशियो का फॉर्मूला, स्क्वायर का मतलब जो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरे वाले का मान लेते हैं बी है साइड, तो उसका हो जाएगा फॉर्मूला बी का स्क्वायर। ये एरिया बन गया और वही हमको दिया हुआ है 9/1। अब हम क्या करते हैं यहाँ से इसको, ये जो कॉमन में ये हमारा 2 जो पाया यहाँ पर है ना, स्क्वायर यहाँ पर भी, स्क्वायर यहाँ पर भी है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ए बाई बी लिख लेंगे इसको। और इक्वल टू साइड क्या बन जाएगा, ये जो हमारे पास 9 है वो क्या बन जाएगा, वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे में यहाँ पर ये 1 भी लिख सकता था, अगर साथ में ये 3/1 का स्क्वायर लिखता तो भी गलत नहीं होता। ठीक, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या हमारे पास, ए बाई बी इक्वल टू 3/1 बच गया। समझ में आ रहा है बात ना, यानी कि हमें ए और बी का वैल्यू पता चल गया 3/1, यानी कि 3:1। लेकिन हमको पेरीमीटर का बोला था, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर क्या होता है कि साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है 4 का, यानी ए क्या है, साइड है पहले वाले स्क्वायर का, तो उसका 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ए बन जाएगा। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला, और इसका भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बी बन जाएगा। और जब इसका 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो सामने हमारे पास वैल्यू है उनका भी करना पड़ेगा, यही तो रूल है। तो यहां पर ये भी दोनों का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये 4 हमारे कट हो जा रहे हैं, यहां पर ये 4 आपस में कट हो जा रहे हैं, तो ए कितना बच जा रहा है हमारे पास, 3/1 इसका आंसर बच जा रहा है। यानी कि अगर हम एरिया निकालें, पेरीमीटर देखें 4a और 4b का, तो ये 4 और ये 4 कट हो गया, तो बस इतना गया, 3/1 बच गया। तो 3/1 को हम क्या लिखते हैं, 3:1 लिखते हैं। तो इस तरीके से इसका जो रेशियो हो जाएगा वो 3:1 हो जाएगा। इस तरीके के यहां पर हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है अभी कंटिन्यू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 तक यहां एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको यहीं बुक में ही मैं आपको समझाऊंगा डायरेक्ट। और ये देखो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भी नहीं, इसको अगर आप चाहो ना तो सॉल्व भी कर सकते हो। यानी कि एरिया निकाल करके पहले x मान करके इसको 9x और 1x जैसे मैंने आपको बताया है ना पिछले वाले एक्सरसाइज में, उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, ये मेथड अगर आप सीख जाते हो तो बहुत ज्यादा आपका टाइम बच जाएगा। वो क्योंकि बहुत ज्यादा वो कॉन्सेप्टुअल मेथड तो है लेकिन बहुत ज्यादा लंबा मेथड है, आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं, तो ये मेथड आप जरूर सीख जाए यहां पर से। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास 23, रेशियो दिया हुआ है एरिया का 2 स्क्वायर का, ठीक है, ऑन वन हैविंग इट्स डायगनल डबल दैट द अदर। यानी कि हमको बताना क्या है, रेशियो दिया नहीं हुआ है, हमको बताना है कि दो जो स्क्वायर हैं उनका रेशियो कितना होगा, उनके एरिया का रेशियो कितना होगा अगर उनका जो डायगनल है, जो एक स्क्वायर है ये इस टाइप से, जो एक स्क्वायर है उसका जो डायगनल है वो क्या है, दूसरे वाले से डबल है। यानी कि इसका जो डायगनल होगा ये इससे डबल होगा, तो हम एक का डायगनल मान लेते हैं डी, तो दूसरे का जाहिर से बात है कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, क्योंकि साफ से बोला है कि जो एक का डायगनल है वो दूसरे से डबल है। ठीक है, अब हम लगाते हैं, अगर हमारे पास डायगनल दिया हुआ है तो डायगनल वाला जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो डायगनल वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/2d का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले जो था उसका 2d डायगनल था और सेकंड वाले जो एरिया निकाल रहे हैं उसका केवल d डायगनल था, तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 2d का स्क्वायर, क्योंकि डायगनल का वैल्यू हमको स्क्वायर करना है, और नीचे वाले में केवल d का स्क्वायर, क्योंकि इसका जो वैल्यू था डायगनल का वो केवल d था। अब ये क्या क्या कट हो रहा है, ये हाफ और हाफ कट हो जा रहा है यहाँ से। अब क्या बचिए हमारे पास, 4d का स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 का इससे, तो 2 और d का स्क्वायर का d का स्क्वायर हो गया, 2 × 2 = 4, और ये d का स्क्वायर, और नीचे में d का स्क्वायर पहले से था, यानी कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद बस इसे 4d का स्क्वायर लिखा गया है। अब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से d का स्क्वायर कट हो गया, तो क्या बच गया, ऊपर में 4 और नीचे में यहाँ पर 1 बच गया, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है वहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4:1। इसमें बस एक समझने, अगर कुछ बच्चे लोग नहीं पढ़े होंगे, पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे होंगे, तो उनको बस यही समझ नहीं आया होगा कि ये 4d का स्क्वायर कहाँ से आया। तो देखो होता क्या है ना, कि जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहता है तो स्क्वायर इस d का भी काम करता है, और स्क्वायर ये जो है 2 के साथ भी रहता है। समझ में आ गया, तो जब ब्रैकेट ओपन होता है तो 2 का स्क्वायर बन जाता है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2×2 = 4, और फिर d का स्क्वायर यानी कि d का स्क्वायर, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा 4:1 इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 भी समझा देता हूँ, और 24 को फिर हम कॉपी में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ये दोनों जो है हमारे पास हिंट से ही सॉल्व हो जाएंगे, ये भी हमें रेशियो बताना है यहाँ पर। ठीक है, 26 भी वैसे हमको कॉपी जरूरत पड़ सकता है, आइए इसको 25 को पहले सॉल्व कर लें। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड दैट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, यानी कि हमको यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का और एक स्क्वायर का, दोनों का क्या करना है, हमको एरिया का रेशियो बताना है। ठीक है, तो स्क्वायर जो होता है उसका एरिया का क्या फॉर्मूला बनता है, ए का स्क्वायर बनता है, तो ए का स्क्वायर लिख लो, और हमको रेशियो बताना है, इसलिए हम डिवाइड का, हर बार देखो डिवाइड का साइन क्यों लग रहा है, क्योंकि हमको रेशियो बताना है, तो यहाँ पर रेशियो का साइन लगा लो, डिवाइड का साइन लगा लो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 और ए का स्क्वायर, यानी कि साइड का जो है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो दोनों के एरिया का फॉर्मूला लगा दिया गया और दोनों को यहां पर डिवाइड में दे दिया गया, जाके हमारा रेशियो पता चल जाए। अब जो जो सॉल्वर है उसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों आपस में कट हो रहा था कट कर लेंगे, और हमको पता है अब यहां पर ऊपर में 1 बचेगा, तो क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर है ऊपर में और डिवाइड देने के बाद अगर नीचे में एक और फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन का उल्टा हो जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 4 ऊपर आ जाता है और √3 है वो नीचे आ जाता है, तो 4 देखो यहां पर ऊपर लिख दिया और √3 है वो नीचे आ गया, तो इसका जो रेशियो बन गया वो कितना हो गया, 4:3, जो कि हमें ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर डी वाला।
इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 को कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? द एरिया ऑफ ए रिक्टेंगल 144 लॉन्ग इन इज द सेम एज दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 84 मीटर। यानी कि जो एरिया है एक रिक्टेंगल का जिसका हमें लेंथ दिया हुआ है वो क्या है, इक्वल है वो एरिया किसके, तो एक स्क्वायर के इक्वल है जिसका साइड हमें दिया हुआ है 84 मीटर। तो विड्थ ऑफ द रिक्टेंगल, रिक्टेंगल का विड्थ कितना होगा, आइए इसे सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो कि ये हमें क्या बोल रहा है कि जो रिक्टेंगल के एरिया है वो इक्वल है स्क्वायर के एरिया के। यानी कि रिक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, वो किसके इक्वल है, स्क्वायर के एरिया के, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड के। ये चीज़ यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है सबसे पहला बात। अब दूसरा चीज़, हमें जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर लेंथ दिया हुआ था ना रिक्टेंगल वाले का, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 24, हाँ रिक्टेंगल का हमें 144 मीटर लॉन्ग इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ की जगह हमें 144 मल्टीप्लाई में ब्रेथ रहेगा ही, इक्वल क्वेश्चन में साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 84 मल्टीप्लाई 84 ये हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। बस यहीं से हमको क्या करना है, इसका ब्रेथ फाइंड कर लेना है, क्योंकि हमें यही बोला था कि विथ ऑफ द रिक्टेंगल, विथ और ब्रेथ जो होता है वो सेम टू सेम चीज़ है। अगर यहाँ पर आप विथ भी लिखो डब्ल्यू भी लिखो तो भी चलेगा, मैं बी लिख देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विथ और ब्रेथ जो है सेम चीज़ है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इसका विथ पता करना है, ब्रेथ पता करना है, तो इस 124 को जब ट्रांसफर कर देंगे तो ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 84 मल्टीप्लाई 84 डिवाइड में 144। अब देखो ये किससे कट हो रहा है, तो 84 हमारा 12 से कट हो रहा है, और ये पता है हमको कि 12 का स्क्वायर है, यानी कि 12 जो होता है हमारा 144, तो डायरेक्ट 12 से कट करेंगे हम, 12 जो 144, 2 से भी आप कट कर सकते हो छोटे नंबर से भी, लेकिन जितना बड़े नंबर से कट करोगे उतना ही टाइम हमारा कम वेस्ट होगा, तो बड़े नंबर से कट करते हैं हम, क्योंकि हमको पता है ये 12 से कट हो रहा है, तो 12 जो 144 और 12 जो हो जाता है हमारे पास 84, फिर ये भी कट हो रहा है 12 जो 12, 12 जो 84, तो जो ब्रेथ है विथ है वो कितना निकल गया, 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 49। इस तरीके से हमारा आंसर आगे ब्रेथ का 49, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ए बी सी, सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा 49 मीटर, क्योंकि ये जो हमें जो दिए थे ना वो सब मीटर में दिया था यूनिट, इसलिए इसका आंसर भी मीटर में आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पहले रीड करते हैं अच्छे से, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हम, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। 26 के हमारे पास द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया जो स्क्वायर का है वो इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल के। जैसे यहाँ पर लेंथ का जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो इक्वल था एरिया ऑफ किसके, स्क्वायर के, उसी तरीके से यहाँ से स्क्वायर का जो एरिया है वो सर्कल के एरिया के इक्वल में है, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो बताइए कि साइड के और रेडियस का जो सर्कल है उसके बीच में जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस आप फॉर्मूला लगाइए दोनों का और वहाँ से आपको इसका जो क्या बोलते हैं रेशियो रहेगा वो पता चल जाएगा। आइए सॉल्व किया जाए। देखो 26 नंबर में हमको क्या बोल रहा है कि जो एरिया स्क्वायर का वो इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल के। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, यानी कि हम इसको साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमें बोल ये रहा है कि जो साइड का स्क्वायर है यानी कि एरिया ऑफ हमारा स्क्वायर वो कितना है, वो है हमारे पास पाई आर का स्क्वायर, यानी कि सर्कल के एरिया के बराबर। स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू सर्कल का एरिया, ये हमसे यहाँ पर कहा था, तो दोनों का हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हमसे ये कह रहा है कि साइड के और रेडियस के, क्या हमें बोल रहा है रेशियो पूछ रहा है कि साइड का और रेडियस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस रेशियो को इधर ले आते हैं, ठीक है, ये जो हमारा आर है उसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइड का स्क्वायर डिवाइड में रेशियो का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में पाई का पाई बचा रहेगा। अब हमको निकालना क्या है इस यहाँ से, इन दोनों का हमें रेशियो पता करना है, लेकिन ये भी स्क्वायर में है तो हम क्या करते हैं स्क्वायर को पहले कॉमन ले लेते हैं, इस तरीके से साइड बाई रेशियो और ये जो स्क्वायर है दोनों का कॉमन इक्वल टू पाई। अब क्या होगा, ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे तब ना हमको साइड बाई रेशियो पता चलेगा, यानी कि साइड बाई रेडियस पता चलेगा, तो हम यहाँ पर साइड बाई रेडियस लिखेंगे इक्वल के उस साइड में जाएगा हमारे पास पाई। और ये देखो अब हमको यहाँ पर इसके नीचे एक रेशियो बताना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या वहाँ पर एक वन है, तो इससे हमको क्या पता चल गया कि साइड रेशियो आर जो होगा यानी कि रेडियस जो होगा वो किसका इक्वल में होगा, तो इक्वल होगा वो पाई रेशियो वन के। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन निकल गया, पाई रेशियो वन, कौन सा दिया यहाँ पर, ये ए में ही दिया हुआ है, तो इसका जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि केवल फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद हमको किस चीज़ का रेशियो पूछ रहा है वो जानना है आपको, तो साइड और रेडियस का पूछ रहा था तो रेडियस को इधर ले आना है ताकि इसके रेशियो में आ जाए, डिवाइड में आ जाएगा, इसका मतलब रेशियो में आ जाएगा, और फिर हमको धीरे धीरे करके ये स्क्वायर को इधर हटा देना है तो हमको पता चल जाएगा कि उसका जो रेशियो है वो कितना है। यहाँ पर कुछ नहीं था इसलिए मैंने वन लिखा है, क्योंकि हमको रेशियो बताना था, तो पाई रेशियो जीरो तो लिख नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं, मतलब वहाँ पर वन छुपा हुआ है, तो यहाँ पर हम वन लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।